फायरिंग से अगर हम जहाज देखेंगे कि जहाज है तो हमको इसका इतराब करना है। इसी दिनों आपको याद होगा कि पिछले साल में जनाब वजीर अजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का यहाँ कटाव था यौम विलादत पाकिस्तान के दिन, तो सरदार मसाद अब्बासी साहब जी ने पूरी तस्वीर की उनसे कहा कि अगर आप इस हफ्ते में तकलीफ करें तो हम बैनुल अकवामी सतह पर इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, हमसे पूछा जाएगा कि मकबूजा कश्मीर का आदमी अब मुजफ्फर आबाद ने क्यों यहाँ पर केस करना। तो मैंने कहा कि फिर वजीर अजम की मौजूदगी पर आप जवाब दे देंगे वो कश्मीर में क्या करता है। सवाल ये है कि अगर एक तरफ हम चाहते हैं इसको मिलाना है कश्मीर को आप अपने साथ मिलाना है, तो फिर अमरीका की खुशनूरी के लिए हम क्यों उन जहाज की सही तारीख कहें पूरी से पीछे आए। वानी साहब आपको जो बहुत कम मराहत हासिल थी, क्या आप ये नहीं समझते कि ये आपका हक का मराहत नहीं, और अब जब के आपने इसको भी वापस करने का ऐलान किया है इससे आपके लिए दुश्वारी पैदा होगी? इससे दुश्वारियाँ पैदा होंगी, लेकिन हमारा यह है कि हमने जिंदगी की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी तहरीक में सर पर, और जब आप ये समझें कि कुछ हर सरकारी पॉलिसी की या जो तहरीकी जहाज से जो खराब आप उसका साथ दी या उसकी कुछ नुमा तारी नहीं करें तो जहीर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता है, दोबारा नहीं करता है। उसके बाद तकरीबन मतलब वो के बाद मुश्किल हुई, लेकिन हमने काफी के साथ इससे भी ज़्यादा नामजय वाला काम किया, इससे भी ज़्यादा दफातर बंद होते थे जमातें, एक साल दो साल तो हमने श्रीनगर में बाजी पे काम किया जब जमातों पर पाबंदी है क्या जितना गर्मियाँ बैन और हर किसी की रफ्तार का जो है वो मंगू के बावजूद जो है हमने काम किया जारी रखा, और यहाँ भी हम क्योंकि मेरा ख्याल है कि लोग हमारे साथ लोग कश्मीर की विचार के साथ यहाँ डॉक्टर जी जो मुराद वापस करने का फैसला आपका इंफरादी है या दूसरे भी लोगों का भी? मैंने उन हजार को एक साथ लिखा है कि आप भी वापस जाए, तो के नाम में फर्ज किया है, तो वो तो मेरा ख्याल है 5 अप्रैल को या 3 अप्रैल को फैसला नहीं किया, क्योंकि बाकी कम है और कई आम लोग और भी जान से नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से फैसला किया। ये जो होता है कि हुई थी कश्मीर के लीडर साहब के समय बड़ा मफादात और वजीफा लेते हैं, आप ईमानदारी से समझते हैं उसके लिए वजीफा लेने से पहले की कश्मीर का किरदार मुतर हो रहा है? पहले से हुई कि कश्मीर का किरदार जो है वो किसी इंफराजी पुलिस के मुताबिक नहीं रखता है क्योंकि आवामी तहरीक है, लेकिन जहाँ तक हम अपनी आवाम के सामने जवाब दे हैं तो मेरे नज़दीक ये दोनों बातें जो हैं किरदार नहीं कर सकते, उनकी वाइए कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर के लोग हमसे जो उम्मीद ही अवर तक किए हुए हैं उनकी तर्जुमानी का अदा करने के लिए मेरा ख्याल है कि मेरा जो है इनसे तारीख जुड़ी की कश्मीर या तारीख का अदा कश्मीर पर मन की असर पड़ने का देश है। वाजी साहब आपने गुजशत दो तीन तारीख शरीक रवैये से कश्मीर की पार्टी के साथ उनके साथ उससे आप शरीक नहीं रहे, तो आपने इतना भी लोगों से भी अपील कर दी, तो क्या अगर इनसे लाइन से लग नहीं हो? नहीं नहीं, जहाँ तक हमारी तंजीम का ताल्लुक है अलाइंस को तंजीम होता है, अलाइंस को तंजीम होता है, तो तंजीम में उसको शामिल शामिल हैं, असल शामिल हैं तारीख रवैये से कश्मीर के अंदर के यही वाजी के जो है अपराध का अलायंस तो इसलिए है कि जमाती को परेशानी है, जमातों के कायदीन ने आप रिवायत की अपील मैंने क्योंकि जो आपकी पार्लियामेंट है वो तो मकबूजा कश्मीर में है, लेकिन जो जमातों के कायदीन यहाँ है या नुमाइंदे यहाँ है वो तो तंजीमों के बैंड गेट हैं, इस्लामी लीग की वो तो शौक है, हम ये कहते हैं कि जब तक इसको सरकारी छाप रहेगी इधारों की छाप रहेगी उनके वहां तक रहेंगे उनका तक हम इसमें शुरू नहीं करेंगे।
हैं कि अभी हम आप ये जो यहाँ का सरकारी इजाद है जी जिन हालात में मना आती जाते हैं जी जैसे राज में इस्लामी का वक्त अब उसमें नहीं है इधर नहीं उसको वेरी बिगनिंग आपको पता होता है क्या हुआ जी हाँ वो लेकिन वो अफसर नाम उसमें से निकल गया था आपने निकल गए आप जब जब अल्फाज में कह रहे हैं कि आपकी अफसर इसके खिलाफ तो नहीं होगी अमल तो वही है अब तक हम किसी भी सत्ता पर काम करते रहे तो दीगर जो समाज के हैं दीगर जो कायम के हैं कायम करके इसको मजीद साल बनाने की कोशिश करेंगे आजादी और ये जो मीर वाइज उम्र फारूक साहब ने मकबूजा के श्रीनगर में तमाम सियासी जमातों का इश्तहार किया है उस बारे में क्या क्या उम्र फारूक का जो इश्तहार है उसमें सारी जमातें शामिल हैं तो ऑल पार्टी के कॉन्फ्रेंस के नाम की इकाई हुआ अब उनकी इकाई साल मौत वही है जो 15 मई को मुकम्मल तौर पर अपना आयुक्त जो है वो जनरल कौंसल के सामने पेश करी 15 मई को उसकी जो सीनियर हैं और आई एन साल सभी चीजें उसकी बहाउद्दीन साहब और जो बहाउद्दीन साहब भारती और जो श्रीनगर हाईकोर्ट के सरकार का मुकला पर एक समिति है मेम्बर है जिसमें मशहूर वकील यासीन साहब भी हैं फारूक अहमद गंगा साहब भी हैं और दूसरे दोस्त भी हैं तो 15 मई को उसका जो आई तैयार हो जाएगा उसके बाद जनरल कौंसिल मंजूर करेगी उसके बाद उसकी हाथी शहर सामने आएगी एक बात और ये भी चलिए सर कि आपने ऐलान के क्या आपने जो कुछ इतना आप बातें ऐसी नहीं कि ऑफिशियली जो है आपसे ये चीज़ें जो ड्रॉ की जा रही है पहले ही कर लीजिए इतना नहीं है गाड़ी वहाँ पड़ी है सरकारी और बिहार पर 13 पार्टी